नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, रियलमी का एक बजट 5G डिवाइस लॉन्च हो चुका है जो है रियलमी 11X 5G। एंड बजट डिवाइस होने के बावजूद भी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के मामले में ये डिवाइस बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। जानेंगे सारी चीजें इसी डिवाइस के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स को। सो गाइस, कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है एंड बॉक्स के अंदर वो एक्चुअल डिवाइस, उसी के साथ यहाँ पे डार्केस्ट ट्रांसपेरेंट केस आपको देखने मिलते हैं, कुछ एडिशनल पेपर वर्क, 33 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रेक एंड टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग एंड डेटा केबल। सो यहाँ पे अगर मैं इसके बिल्ड की बात कर रहा हूँ ना, तो हमारे पास ये जो यूनिट है ना, ये है पर्पल डाउन कलर में, जहाँ पे इसकी बिल्ड कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट के आपको देखने मिलते हैं। एंड इसका जो बैक है ना, आपको टेक्सचराइज देखने मिलता है, जहाँ पे उन्होंने ग्लिटरी इफेक्ट प्रोवाइड किया है एंड एस शेप हाइलाइट्स भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। एंड इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो काफी यूनिक सा आपको देखने मिलता है, सर्कुलर शेप में, काफी बड़ा सा है एंड काफी यूनिक एंड प्रीमियम सा लुक देता है आपके स्मार्टफोन को। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, वही रेगुलर पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं, 3.5mm का जैक उन्होंने प्रोवाइड किया है। सिम स्लॉट में आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। पावर ऑन बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिवली यहाँ पे वर्क भी करता है। सो गाइस, बजट डिवाइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी पर्सनली मुझे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगी। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे उन्होंने 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। सो जब भी आप इस फोन को यूज कर रहे हो या फिर इसके अंदर गेमिंग कर रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको फील होने वाले। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्प्ले के जो कलर्स है ना, वो भी काफी वाइब्रेंट आपको देखने मिलते हैं। वाइडवाइन सर्टिफिकेशन चेक किया, वाइडवाइन L1 आपको देखने मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Netflix पे आप हाई डेफिनेशन कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। एंड यस, YouTube में भी यहाँ पे आप 2K at 60fps का कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हो। एंड इस डिस्प्ले के अंदर आपको 680 nits की पीक ब्राइटनेस देखने मिलते हैं। इंडोर विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं, आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में है ना, विजिबिलिटी डिसेंट निकल के आएगी। एंड गाइस, बजट डिवाइस होने के बावजूद भी यहाँ पे बेजल वाला पार्ट आप देख सकते हो, काफी मिनिमल सा आपको देखने मिलता है। मतलब थोड़े बहुत बेजल्स है, बट इतने प्राइस रेंज में यार क्या ही एक्सपेक्ट करें। ठीक है, समझ गया। एंड फिर हम बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये एक 5G बेस प्रोसेसर है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB LPDDR4X RAM के साथ 128GB का UFS 2.2 स्टोरेज। तो यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड है ना, एवरेज में आपको 500 Mbps की देखने मिलती है। एंड यहाँ पे उन्होंने 8GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। ऑलरेडी 8GB ऐड होगा, टोटल 16GB ऑफ रैम। एंड यहाँ पे बेंचमार्क्स की अगर मैं बात करूँ, तो Antutu में यहाँ पे हमें 431,000 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। CPU थ्रॉटलिंग में 94% की मैक्स परफॉर्मेंस। सो गाइज, एज सच है ना, CPU वाला पार्ट इतना थ्रॉटल नहीं करता है, बट येस नया प्रोसेसर है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बातचीत तो बनती है, तो यहाँ पे सबसे पहले गाइज हमने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम इसके अंदर खेला। एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ आप फ्रेम रेट्स भी देख सकते हो, यहाँ पे हमें 60fps के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। नो डाउट गाइज, गेम बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। उसी के साथ BGMI गेम भी यहाँ पे हमने खेला, जहाँ पे हमें स्मूथ में अल्ट्रा के सेटिंग्स देखने मिल रहे थे। एंड ये भी गेम आप 40fps में यहाँ पे खेल सकते हो बिना किसी लैग के। एंड यस, यहाँ पे आपको गेम मोड का ऑप्शन भी देखने मिलता है। प्रोसेसर को आप प्रो मोड में सेट कर सकते हो एंड ढेर सारे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। एंड गाइस, यहां पे अगर मैं सेंसर्स की बात कर रहा हूं ना, तो जायरोस्कोप का सेंसर यहां पे आपको देखने मिलता है। BGMI गेम के अंदर आप देख सकते हो, जायरोस्कोप वाला जो सेंसर है ना, इतने बढ़िया तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। मतलब थोड़ा बहुत लैग लेटेंसी मुझे महसूस हुआ, आप देख सकते हो यहां पे, मतलब डीले टाइप आप बोल सकते हो यहां पे। तो जायरोस्कोप दिया है, बट गेमिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता। एंड कैमरा की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो रेयर में 64MP का मेन कैमरा आपको देखने मिलता है एंड सेकेंडरी 2MP का पोर्ट्रेट कैमरा। फ्रंट में 8MP का कैमरा उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड यस, रेयर कैमरा की हेल्प से आप 1080p एट 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गाइज, ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ना, ये हमने आउटडोर्स में रिकॉर्ड किया है 1080p एट 30fps में। एंड यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी है ना, बढ़िया निकल के आते हैं। स्टेबिलिटी वाला पार्ट है ना, यहाँ पे डिसेंट निकल के आता है। एंड यस, यहाँ पे फ्रंट कैमरा की हेल्प से भी आप 1080p एट 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑलरेडी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो अभी मैं प्ले करता हूँ उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइज, ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं फ्रंट कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p एट 30fps में आउटडोर्स में, थोड़ी बहुत विंड भी यहाँ पे ब्लो रही है। एंड यस, यहाँ पे आपको कैमरा की क्वालिटी, स्टेबिलिटी एंड ऑडियो क्वालिटी का पता चलेगा।
एंड यहाँ पे हमने कुछ सैम्पल इमेजेस कैप्चर किए 64 मेगापिक्सल मोड में इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में। काफ़ी हाई डायनेमिक रेंज के इमेजेस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। नो डाउट इमेजेस बहुत ही बढ़िया आप क्लिक कर सकते हो। पोर्ट्रेट इमेजेस भी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे कैप्चर होते हैं। एंड यहाँ पे हमने कुछ सेल्फी इमेजेस भी कैप्चर किए इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में। सो गाइस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना कैमरा वाला पार्ट में बढ़िया बोल सकता हूँ, मतलब क्या ही कंप्लेन करें ना कैमरा वाले पार्ट में, अच्छा है कैमरा इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में। एंड गाइस रियलमी स्मार्टफोन्स में ना यूआई वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। सो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको रियलमी यूआई 4.0 उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 13 पे। एंड यस यूआई वाला पार्ट नो डाउट बहुत ही स्मूथ यहाँ पे आपको देखने मिलता है। बट जी हाँ गाइस यहाँ पे आपको टन्स एंड टन्स ऑफ ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे गेम्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए। डेफिनेटली गाइस आप उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन अनवांटेड एप्लीकेशंस मैंने अनइंस्टॉल किए। एंड यस हॉट ऐप हॉट गेम्स का भी आपको यहाँ पे सेक्शन देखने मिलता है, आप उसे भी डिसेबल कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे ऐप स्टोर में जाना है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो हॉट ऐप हॉट गेम्स को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। एंड यस उसके बाद यहाँ पे जो ओएस वाला पार्ट है ना काफ़ी स्मूथ फील होगा। बट यस और एक कैच है यहाँ पे, ऐप ड्रॉअर में जैसे आप जाओगे ना वहाँ पे आपको सजेस्टेड एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं। उसे डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स में जाना है, रिकमेंडेड एप्लीकेशन को यहाँ पे डिसेबल करना है। एंड गाइज ये सारी चीज़ें करने के बाद ओएस वाला पार्ट बहुत ही वेल रिफाइंड यहाँ पे फील होगा, मतलब कोई भी ब्लूटवेयर नहीं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं, मतलब क्लीन हुआ है। अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें डिसेबल करने का ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो कर सकते हो सारी चीज़ें डिसेबल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल फायरिंग स्पीकर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सैम्पल ऑडियो प्ले करते हैं साउंड क्वालिटी सुनने के लिए। सो गाइस सिंगल फायरिंग स्पीकर के हिसाब से ना साउंड आउटपुट यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। बैटरी की अगर मैं बात करूँ 5000 mAh की बैटरी आपको देखने मिलते हैं, 33 वॉट्स का सुपर वुक चार्जिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड डेफिनेटली गाइस 5000 mAh की बैटरी एक दिन तक इसकी बैटरी लाइफ फॉर श्योर चलेगी। एंड फाइनली हम बात करेंगे कनेक्टिविटी को लेकर। 5G डिवाइस है, डुअल 5G सिम सपोर्ट यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड ये डिवाइस है बेस्ड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 पे। सो वैसे तो गाइस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। एंड ओवरऑल गाइस बहुत ही प्रॉमिसिंग बजट 5G डिवाइस मुझे लग रहा है। वैसे गाइस ये वीडियो है ना मैं लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूँ, एंड अगर आप मुझसे एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में पूछोगे, वैसे जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी ना आपको प्राइसिंग टाइटल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चलेगी, बट फिर भी मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, देखते प्रेडिक्शन राइट आता है रॉन्ग आता है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई ये डिवाइस ऐसे मतलब स्टार्टिंग प्राइस बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है इसकी 9999 से, मतलब 10,000 से ये डिवाइस स्टार्ट होगा। एंड इससे कहा जाएगा वन ऑफ द बेस्ट 5G डिवाइस अंडर 10,000 प्राइस ब्रैकेट, क्योंकि एक रुपया बच रहा है आपका। बात तो सही है। वैसे गाइस आपको ये डिवाइस कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, एंड प्राइसिंग के हिसाब से कमेंट करके बताइए कि प्राइस के हिसाब से डिवाइस कैसे लगा। एंड जितने भी सारे रिक्वायर्ड लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।